बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम मौजूद हैं एक 6 एकड़ के ब्लॉक पर, जिसमें हमने पहले भी इस ब्लॉक का वीडियो बना चुका हूं छठकेड़ा के हवाले से, जो हमने इसकी काश्त कर रहे थे, स्विंग कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि वाराणसी ज़मीन में छठकेड़ काश्त किस कदर कारामंद होती है। तो आपको आज इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। ठीक 15 दिन के बाद हमने इसको पानी लगाया है और जो है ना फर्टिलाइज़र लगाया है, तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। ये देखिए माशाल्लाह फसल तो बहुत अच्छी हुई है। तो आगे ये देखिए, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम दोस्तों को मैंने पहले भी बताया था अगले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी स्विंग के हवाले से और काश्त के हवाले से, तो इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में जो इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा जब हम इसकी स्विंग कर रहे थे। तो आपके सामने हैं, ठीक 15 दिन के बाद मैंने इनको पानी लगाया है, जब इसकी सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी। तो जब हम इनकी स्विंग कर रहे थे तो इतनी ज़्यादातर ठंड नहीं थी, दिन में ज़्यादा गर्मी थी, तो जो टेम्परेचर था वो 30-35 के बीच में था। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। कल से बहुत सर्दियाँ, आपको धुंध भी नज़र आ रहा होगा, तो धुंध ख़ासतौर पर गंदम के लिए ठंड जो है वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पर भी कहते हैं कि काश्तकार वो फर्टिलाइज़र है ये ठंड। इसमें कोई शक नहीं है कि जो गंदम है उसको ज़्यादातर ठंड चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, उसमें ये अच्छी प्रोडक्शन आती है एवरेज, और इसकी जो गंदम में अच्छी होती है। तो यही वजह है ये इस मेरी गंदम के भी, तो जैसे ही टेम्परेचर नीचे आया तो सर्दी आई, तभी मैंने इसको पानी लगाया। और आज डिस्कस करेंगे इसके यार फर्टिलाइज़र के हवाले से कि छठकेड़ में फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करें। इस वीडियो में जो कि मैंने किया है, तो रिज़ल्ट आपके सामने है इसका। तो मैंने इसको 1.5 मन अंदर यानी 60 kg पर एकड़ इस्तेमाल किया था सीड का। ये आपको वैरायटी बताऊं तो ये अब्दुल सतार है, और मैंने 1.5 बोरी DAP उनके स्विंग के टाइम साथ ही बीज के साथ दे दी थी, क्योंकि अक्सर हमारे काश्तकार दोस्त हैं वो 10 दिन आना पहले पानी जो देते हैं गंदम को, उस पे उसके साथ यूरिया के साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये एक तरीका सही भी है और गलत भी। क्यों गलत इसलिए है, क्योंकि ये जो ना DAP जो है 10 से 15 दिन के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादातर सख्त होता है। तो बेस्ट तरीका जो है, अच्छा और सही तरीका है, वो आप गंदम के हवाले से जो वो आप स्विंग के साथ दें, तो रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आएगा। तो जैसे एक तरह मैंने दिया, ये देखिए आप रिज़ल्ट आपके सामने। तो मैंने आपको बताया 1.5 बोरी DAP दी थी मैंने इसको पहले पानी पर, और आधी बोरी यूरिया दी थी इस टाइम, और 1.5 बोरी स्विंग के साथ सोरी दी थी। तो रिज़ल्ट माशाल्लाह देखिए कितनी हरी भरी पड़ी है फसल। तो अभी मैं एक पानी की बारी दूंगा, दूसरा पानी 10 दिन के बाद निकाल कर मैं इसको VD साइड जो है ना वो स्प्रे करूँगा, पेस्टिसाइड लगाऊँगा किसी भी अच्छी कंपनी की। आप भी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की VD साइड इस्तेमाल करें, और VD साइड के जो टाइम है गंदम के हवाले से वो 20 से 25 दिन के बाद जो आप VD साइड की जो है वो स्प्रे लाजमी करें, ताकि जो स्टार्टिंग में जो निकलते हैं और निकलना शुरू कर देते हैं वो VD साइड जो घास भूस है वो वक्त तौर पर ख़त्म किया जा सके। अक्सर हमारे काश्तकार दोस्त और आबादकार ये करते हैं कि जब फसल 40 से 55 दिन की हो जाती है तब वो जो है VD साइड की इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त जो घास है वो अपनी उम्र से आगे चल जाती है, यानी थोड़ी पक्की हो जाती है, तो उस पर असर नहीं करती पेस्टिसाइड। आप कौन सी भी इस्तेमाल करो, जो कच्ची है इब्तदाई दिनों में जो निकलती है उस पर असर करती थी कर देती है, बाकाया जो है ना वो कुछ दिन या 24 या 2-3 दिन तक मुरझा कर फिर हो जाती है।
तो ये बेस्ट रिज़ल्ट देने के लेने के लिए और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि 20 से 25 दिन के बाद वीडी साइड का जो पेस्टिसाइड उसका लाजमी इस्तेमाल करें। आपको मैं दिखाऊंगा अभी निकलने, अभी ये शुरू है 20 दिन से कि होने वाली है 20 दिन की मेरी फसल, तो वीडी साइड में आपको दिखाऊँगा निकलने वाली है। जैसे ही निकलेगी तो मैं इनको जो है ना स्प्रे करा दूँगा। ये देखें ये अभी ये निकल रही है, अभी मुझे इसको स्प्रे कर लेना चाहिए, बस ये खुश्क हो जाए ताकि मैं दूसरा फर्टिलाइज़र देकर इसको मैं स्प्रे लाजमी करवाऊँगा। कोशिश होगी इसे पहले पहले मैं करवाऊँ 20 दिन के जब दिन हो जाएगी ये फसल। तो ये देखिए माशाल्लाह वेरा सीज़न में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो है 3-4 तरीके होते हैं ये स्विंग करने के लिए, काश करने के लिए गंदम के। सबसे पहला तरीका होता है प्लांटर के थ्रू, और दूसरा होता है पानी छोड़कर ज़मीन की तैयारी करके उसके ऊपर जो है ना काश की तैयारी, और तीसरा ये छटक हेड जिसको बोला जाता है, और चौथा जो तरीका है उसका बेड पर काश। आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है, तो माशाल्लाह बेड पर काश की एवरेज भी अच्छी आ रही है। तो हर फार्मर बेड पर काश नहीं भी कर सकता हमारे जैसे, तो हमने छटखेड़ी की जाती है। तो वारासी ज़मीन में छटखेड़ एक बेस्ट तरीका है, और इसे जो है ना आपकी गंदम की जो स्विंग स्विंग होगी वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आएगी। इसमें ज़मीन में कोई रुकेगा नहीं, भी आपकी सीड कोई मिस नहीं होगी। तो माशाल्लाह ये देखें जितना मैंने बीज दिया था माशाल्लाह उतना ही उगा है। तो आप भी जब भी वायरासी ज़मीन में शटर खेड़े करें, या आप जो है ना प्लांटर के थ्रू उसका काश्त करें। प्लांटर भी अच्छा होता है वायरासी ज़मीनों में, प्लांटर्स के थ्रू उसमें सीड भी कम आएगी और पानी भी कम लगेगा। अभी हमारे इलाके में इतना ट्रेंड नहीं हुआ, मैं इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि प्लांटर के थ्रू इस ज़मीन में करूँ। तो ये माशाल्लाह देखिए ये फसल 6 एकड़ का माशाल्लाह ब्लॉक है, पूरा ही छटखेड़ हमने कर दिए, रिजल्ट आपके सामने है। 1.5 बोरी स्विंग के टाइम दी थी, आधी बोरी मैंने पहले पानी यानी 14 से 15 दिनों के बाद आधी बोरी यूरिया दी है। अब अगले जो पानी आएगा मेरा, ये जब खुश्क हो जाएगी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको जो कि हुमिक एसिड 2 kg दूंगा और फिर आधी बोरी यूरिया दूंगा, क्योंकि इसकी ज़मीन को जो गर्माश है वो ताकि हुमिक एसिड ख़त्म कर दें, जो DAP फिक्स हो जाता है वो ज़मीन में वो भी ऊपर आ जाए। तो रिज़ल्ट आपके सामने माशाल्लाह। इसमें थोड़ा बीज का है मसला, इस बारी में कम आ गया है, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी सीधी तरह। माशाल्लाह रिज़ल्ट देखिए आप, चौधरी अगर लगन और मेहनत हो, टेक्निकल तरीके हों, तो माशाल्लाह फसल अच्छी ही हो जाती है, जैसे कि मेरी फसल है। और कहते हैं कि अच्छा फार्मर वो हो जो कम खर्चों पर ज़्यादा पैदावार हासिल करें, तो वो कभी भी फार्मर्स कहते हैं कि टेक्निकल नहीं कि ज़्यादा खर्चा करके ज़्यादा पैदावार हासिल करें, वही अक्लमंद किसान कहलाता है जो कम खर्च पर ज़्यादा पैदावार हासिल करे। तो इंशाल्लाह मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं कम खर्चा करके और टेक्निक्स इस्तेमाल करके ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करूँ। तो हमारी रोज़ी के लिए आप दुआ ज़रूर कीजिएगा, और हमारी जो चैनल है मेरी खुसूसन, वो अगर आपको अच्छी लग रही है और मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जो ताकि जो मैं नए नए वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए और फसलों के मुतलक वो आपको बर वक्त पहुँच सके। वीडियो देखने के लगा बहुत शुक्रिया।